आज सुबह सुबह दो दो बिस्कुट खाने के बाद में बस में बैठ के सफर के लिए निकल पड़ा था। क्योंकि वीकेंड शुरू ही होने वाला था तो मैंने सोचा पहाड़ों पे घूमने के लिए ये एकदम सही टाइम होगा। अब आधा घंटा चलने के बाद हमारी बस फाइनली जंगल की तरफ पहुंच जाती है और अब पहाड़ की तरफ बढ़ने लगती है। मैं यहाँ पे बस के अंदर बैठे बैठे नजारों का मजा ले रहा था। काफी खूबसूरत पहाड़ और वादियां मुझे देखने को मिल रही थी। जंगल में आके मुझे एक अलग ही वाइब आ रही थी और काफी दिनों बाद मैं इतना एंजॉय कर रहा था। धीरे धीरे हम लोग जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं और हमारे ड्राइवर साहब काफी आराम से बस चला रहे थे क्योंकि रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था और झटके भी अब जोरों के लगने लग गए थे। अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था और बस एकदम नदी के किनारे किनारे चल रही थी। तभी इतने में मैं देखता हूँ कि बस में से कुछ उबड़ खाबड़ आवाज आ रही है और देखते ही देखते बस का संतुलन बिगड़ने लगता है। बस अजीबोगरीब तरीके से हिल रही थी और इसका रीजन था हमारे ड्राइवर साहब जिन्हें चलते बस में ही नींद आ गई थी। हमारी बस का ड्राइवर अब सो चुका था और बस पूरी तरीके से बेकाबू हो गई थी और चलते चलते हमारी बस एक ब्रिज के किनारे सीधा नीचे जा गिरी। पर हमारी किस्मत आज थोड़ी अच्छी थी क्योंकि बस पानी में गिरने की बजाय किनारे पे जाके ही अटक गई थी और अब तो ड्राइवर साहब को भी होश आ गया था। क्या हो गया, कोई हिलना मत, कोई हिलना मत, सब लोग बस से उतरो। और मैं तो यहाँ पे ये सोच रहा था कि जब भी मैं बस में बैठता हूँ तब ऐसा कांड होना जरूरी है क्या। अब थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे के सारे पैसेंजर्स बस को खाली कर देते हैं और फिर ड्राइवर साहब बोलने लगते हैं, अब सभी से मैं दिल खोल के माफी मांगता हूँ, मुझे नींद आ गई थी और इसी के चक्कर में ये सब हो गया। तो ये सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, वो सब तो ठीक है लेकिन हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, हम जंगल के बीचों बीच फंस गए। मैंने मदद बुला ली है, एक घंटे में मदद आती होंगी। अब एक घंटे तक इस जंगल में मैं इंतजार नहीं कर सकता था। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं फौरन अपना फोन निकालता हूँ और अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूँ कि भाई अपने ट्रक में मुझे लेने के लिए आ जा। किस्मत से मेरा दोस्त करीब ही था तो उसने बोला तू लोकेशन शेयर कर, मैं आ रहा हूँ। तो मैं अपनी लोकेशन शेयर करता हूँ, अपने दोस्त की तरफ निकल पड़ा। मेरे दोस्त ने कहा था कि वो जंगल की नदी के दूसरे साइड आने वाला है तो मैं भी उस नदी की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन जब मैं भागते हुए नदी के पास पहुँच गया था तभी मेरे पैर रुक जाते हैं क्योंकि बीचों बीच नदी में मुझे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो मेरे काम की थी। नदी में एक पुरानी एक्सीडेंटल कार पड़ी हुई थी और ये देख के मैं तुरंत एक्टिव हो गया और फौरन मैं चट्टानों से नीचे उतरा और भागते हुए नदी के पास जा पहुंचा। और जैसे मैं उस गाड़ी के करीब गया तो मुझे दिखाई देता है ये है 2017 की फोर्ड की एंडेवर। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी यहाँ पे ऑफरोड करने के लिए आई थी पर शायद पहाड़ियों से नीचे गिर गई और इसका एक्सीडेंट हो गया। अब मैं गाड़ी को थोड़ा बहुत चेक करता हूँ और थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है, इस गाड़ी के लिए मेरे पास एक प्लान था जो मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा है। तो मैं फौरन अपने दोस्त को फिर से फोन लगाता हूँ और उसे फोन करके बोलता हूँ कि भाई तू ट्रक नहीं टो ट्रक लेके आना, अपने को यहाँ से एक चीज लेके जानी है। वो ठीक है बोल देता है और मुझे बस उसके आने का इंतजार था। सिर्फ 10 मिनट के बाद मेरा दोस्त अपना पिकअप ट्रक लेके आ जाता है और फिर वो ट्रक को नीचे उतारता है और फिर वो एकदम केयरफुली एंडेवर को टो कर लेता है और फिर वो नदी से उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। एंडेवर थोड़ी मिट्टी और कीचड़ में फंसी हुई थी लेकिन मेरा दोस्त अपने ट्रक का पूरा जोर लगा देता है और आखिरकार वो एंडेवर को वहां से निकालने में कामयाब हो ही जाता है। एंडेवर को वहां से निकालने के बाद मैं भी ट्रक के अंदर बैठ गया था एंड देन मैं और मेरा दोस्त वहां से निकल पड़ते हैं एंडेवर को साथ में लेके। अब ये एंडेवर किसकी थी और कहां से थी ये तो मुझे नहीं पता था लेकिन इसके साथ जो मैं करने वाला था वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो काम करने के लिए हम इसको लेके सीधा पहुंच जाते हैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में। वहां पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक आते हैं गाड़ी को चेक करते हैं और बोलने लगते हैं, यार तू हर बार ऐसे ऐसे आइटम कहां से लेके आता है, समझो भाई किस्मत से मिल जाते हैं लेकिन आप बता जो इस पे मैं काम करवाना चाहता हूँ वो पक्का हो पाएगा ना। ये सुन के बबलू मैकेनिक बोलने लगते हैं, अरे भाई पहले मैं गाड़ी तो देख लूं, ये गाड़ी तो लगभग 90% सड़ चुकी है, जरा देखूं तो यहां पे भी जंग है, बहुत मुश्किल होंगे भाई। तो इसका क्या मतलब है बबलू भाई? इसका मतलब ये है कि पूरा पैनल ही चेंज करना होगा, अब अगर मैं चाहूँ तो इसे ठोक पीट के सीधा कर दूं। तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? पर जुगाड़ वाला काम नहीं करता ना मैं, गाड़ी मुश्किल से 6 महीने चलेंगी और फिर वैसी हो जाएंगी। तो ये सुन के बबलू मैकेनिक को बोलता हूँ भाई ऐसा मत करो, एक बार तो कोशिश करके देखो क्या पता कोई और कर दे। तो ये सुन के बबलू मैकेनिक बोलते हैं कि अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो एक बंदा है जो तेरा काम कर देगा। और फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक अपना फोन निकालते हैं और नंबर डायल करके एक बंदे से बात करने लगते हैं। हेलो चार्ली बोल रहा है, ये अपने पास एक एंडेवर आई थी 2017 मॉडल है, एक भाई लेके आया उनको पूरी कन्वर्ट करानी है। ओके ओके ठीक है मैं आता हूँ, चलो भाई। और फिर बबलू मैकेनिक फोन रख देते हैं और बोलने लगते हैं, भाई देख मेरी बात हो गई तेरा काम जम गया हूँ, पर मैं पूछता हूँ हम किसके पास जा रहे हैं। भाई तू ज्यादा सवाल मत पूछ मेरे साथ चल बस। फिर उसके बाद बबलू मैकेनिक मुझे एक बिल्डिंग में ले आते हैं और लिफ्ट के अंदर मैं उनसे पूछने लगता हूँ कि भाई वर्कशॉप कहाँ है। तो वो मुझे बोलने लगते हैं, वर्कशॉप तो तेरे सामने है भाई। फिर उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और बबलू मैकेनिक लिफ्ट के बाहर चल जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ। देख के मैं भी उनके पीछे पीछे चल देता हूँ और जैसे मैं लिफ्ट से बाहर निकलता हूँ मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा GTA इंडिया मॉड्स के बारे में। अगर आपको भी अपने GTA 5 गेम में इंडियन कार्स और बाइक के साथ प्ले करना है तो आप इन्हें GTA इंडिया मॉड्स.com से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई टाइप्स के इंडियन कार मिल जाएंगे जैसे
महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, इनोवा, सुजुकी अर्टिगा, ब्रेजा, किया सेल्टोस, किया सोनेट और भी कई सारे इंडियन कार मॉडल्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे अभी हाल ही में टाटा की नई वाली नेक्सॉन और हुंडई की ब्रांड न्यू क्रेटा भी अवेलेबल हो गई है। 22 की बात की जाए तो आपको हीरो की स्प्लेंडर से लेके बजाज की पल्सर सीरीज और एवेंजर सीरीज भी मिल जाएंगी। साथ में KTM की एक्सक्लूसिव बाइक भी यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों फिर देर किस बात की, जल्दी से विजिट कीजिए GTIndiaMod.com पे और अपने गेम को दीजिए एक इंडियन लुक इंडियन कार के साथ। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे वापस। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक अच्छी बड़ी चमचमाती हुई वर्कशॉप थी जहाँ पे काफी सारी कार्स पे एक साथ काम हो रहा था। पेंटिंग, डेंटिंग, अपग्रेड, सिरेमिक कोटिंग, यहाँ पे तो सब कुछ चल रहा था भाई। और ये लोग तो इंजन मॉडिफिकेशन भी कर रहे थे। मैं तो वर्कशॉप को ही देखे जा रहा था तभी बबलू मैकेनिक बोलने लगते हैं, वो देखो मेरा दोस्त चार्ली, चलो उसके पास चलते हैं। और फिर बबलू मैकेनिक अपने दोस्त के पास जाके उसे बोलने लगते हैं, ओए चार्ली कैसे चल रहा है धंधा पानी, सब बढ़िया? इतने में यहाँ पे मैं भी आ जाता हूँ और फिर बबलू मैकेनिक मुझे बताने लगते हैं कि ये उनका दोस्त चार्ली है और इसके साथ मिलके ही वो कार गैरेज के धंधे में आए थे। फिर उसके बाद चार्ली भाई हमारी तरफ मुड़ते हैं और बोलने लगते हैं, अरे बबलू भाई तुम है क्या, तुम तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए थे माँ तुम? अब वो माँ तुम तो टकले हो गए। अबे टकला तो मैं तेरी जवानी के टाइम से हूँ। अच्छा वो सब छोड़, मैंने फोन पे जो बात किया था वो तुझे याद है? वही ना, तुम एंडेवर के बारे में बोल रहे थे, लेके आए गाड़ी वो? हाँ भाई गाड़ी भारी खड़ी है। वैसे मैं बता दूं, ये जो भाई है ना इनको एंडेवर को टोटल कन्वर्ट करवाना है, तो भांजे ये बता हो पाएगा या नहीं? हो तो जाएगा लाला, पर गाड़ी को देखना पड़ेगा ना उसके लिए, पहले गाड़ी को अंदर अंदर तो लेके आओ। फिर उसके बाद हम एंडेवर को वर्कशॉप के अंदर ले आते हैं। चार्ली फिर उसके बाद गाड़ी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और बोलने लगता है, छीमा लाला कहाँ से लाया हो गाड़ी, भंगार सूरत की गाड़ी है, इसको तो अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई इसका तो इंजन काम नहीं करता, इसे अंदर कैसे लेके जाएंगे? अरे भाई तू टेंशन मत ले, अपने पास सारे रास्ते होते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इस रास्ते के बारे में बात कर रहा था। बबलू भाई और मैं एंडेवर को धक्का देते हुए प्राइवेट वर्कशॉप की तरफ लेके जा रहे थे। इसमें तो हमारे पसीने छूट रहे थे। आने दो हाँ बस बस और धक्का मारो बे। अबे तुमने खाना नहीं खाया क्या? चार्ली तो अंदर बैठ के सिर्फ स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें धक्का देना पड़ रहा था। इसने तो मुझे हमाली पे लगा दिया। अबे तेरे वजह से मुझे भी हमाली पे लगा दिया गया। अब किसी तरह मैं और बबलू मैकेनिक मिलके इस भारी और जंग लगी एंडेवर को धक्का देते हैं और फाइनली हमारी एंडेवर उसके बाद वर्कशॉप के अंदर एंटर हो जाती है। अब एंडेवर वर्कशॉप के अंदर आ चुकी थी तो चार्ली बोलने लगता है, चलो लाला बहुत बढ़िया काम हो गया, अब इसको पावर लूप से उठाएंगे और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। और मैं तो बस यही दुआ कर रहा था कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए जो फिक्स ना हो पाए। बबलू भाई जरा लिफ्ट के बटन तो दबाना। फिर बबलू मैकेनिक गाड़ी के लिफ्ट चालू कर देते हैं और हमारी एंडेवर लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जाने लगती है। गाड़ी को ऐसे ऊपर हवा में लटका के पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से फॉल्ट थे। गाड़ी ऊपर आ गई थी और चार्ली बोलता है, चलो बबलू भाई इंस्पेक्शन करना शुरू कर दो। उसके बाद बबलू भाई गाड़ी के नीचे पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं, हाँ तो भाई एक्सल टूटे हुए हैं, चेसी डैमेज है, ट्रांसमिशन उखड़ चुका है, रेडिएटर में मछलियां नाच रही है, गियर बॉक्स की तो पूरी अम्मा हो गई और हाँ पेट्रोल की टंकी में 3 बड़े-बड़े गड्ढे हैं। सारा इंस्पेक्शन करने के बाद बबलू मैकेनिक बाहर आते हैं और बोलने लगते हैं कि भाई सच्ची बोल रहा, गाड़ी पूरी भंगार है, 10-12 लाख तो अपने को पार्ट मंगाने में ही चल जाएंगे। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि बबलू भाई अब फिक्र मत करो, पार्ट्स में मंगवा दूंगा। भाई पर बहुत खर्चा होगा ना, एक बार सोच लो। कोई बात नहीं बबलू भाई, बस फाइनल रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। अरे बात तुम उसकी टेंशन लो, इस बात एकदम राष्ट्रीय गाड़ी बना के देता तुमको मैं। चलो अब गाड़ी के पुर्जे निकालने शुरू कर दो। क्या मतलब कि ये काम भी हमें ही करना होगा? और फिर उसके बाद मैं और बबलू भाई मिलके इस गाड़ी के खराब पुर्जे निकालना शुरू कर देते हैं। गाड़ी के फ्रंट और रियर बंपर्स और साथ में बोनेट सब कुछ खराब हो चुके थे, तो बबलू भाई और मैं मिलके अपने तरीके से इस गाड़ी के पार्ट्स को रिमूव करने लग गए। लगभग सारा दिन हम इसके ऊपर ऐसे ही काम करते रहते हैं और फिर एक एक करके हम इसके सारे बंपर और अननेसेसरी पार्ट्स को गाड़ी के अंदर से रिमूव कर ही देते हैं। गाड़ी से अब लगभग सारे के सारे पार्ट्स जो यूज नहीं हो सकते थे वो रिमूव हो चुके थे। और ये सब देख के चार्ली बोलने लगता है, वाह जी वाह तुमने तो कमाल कर दिया भाई लो। और अब मुझे जाता देख के लग रहा है इस गाड़ी के अंदर इसकी जान डालने का वक्त आ गया। और गाड़ी की जान होती है उसका इंजन। हमारी एंडेवर में डालने के लिए हमने स्पेशली 3.5 लीटर टर्बो इंजन मंगवाया था और इसे गाड़ी के अंदर फिट करने का काम इस बार फिर से मुझे मिला था। एक बाबू ध्यान से, भारी है वो, गिरा तो पैर फूट जाता। और फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे गाड़ी के अंदर इंजन को फिट करना शुरू कर देता हूँ। अब भाई आंधे 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 देख बस 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 आंधे थोड़ा हल्लू हल्लू कर रहे आंधे। मैं इसमें थोड़ा सा घबरा रहा था लेकिन फाइनली हम अपने गाड़ी के अंदर इंजन को फिक्स कर ही देते। गाड़ी के अंदर इंजन अब सक्सेसफुली लग चुका था तो चार्ली बोलता है कि गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार देख लो। तो मैं गाड़ी की तरफ जाता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और अंदर बैठ के मैं इंजन को स्टार्ट करता हूँ और 2 दिन ट्राई के बाद ही हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। आहा भाई क्या आवाज है रे, इस गाड़ी के इंजन से कमाल की आवाज आ रही थी और मैं हल्का हल्का रेस भी देना शुरू कर देता हूँ। ओ भाई पागल पागल हो गए क्या? अरे बबलू भाई मैं तो मस्ती कर रहा था, तभी इतने में चार्ली बोलने लगता है, भाई देख अपुन ने इंजन तो बिठा दी है पर रोड पे टेस्ट किए बिना इसकी असली पावर अपने को पता नहीं चलेगी। तो तुम क्या चाहते हो भाई? अपने को इसकी रोड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या कहा टेस्टिंग, वो भी ऐसी हालत में? बिल्कुल अभी के अभी। और फिर उसके बाद चार्ली और मैं बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और मैं तो इस गाड़ी को टेस्ट करने के लिए काफी घबरा रहा था। चलो लाला लेट्स गो। और फिर मैं एंडेवर को स्टार्ट करता हूँ और लेके ग्राउंड फ्लोर से सीधा निकल पड़ता हूँ रोड की तरफ। और द फर्स्ट टाइम एवर हमारी एंडेवर नए इंजन के साथ रोड पे
चल रही थी और ये किस तरीके का परफॉर्मेंस देने वाली है ये तो इसको चला के ही पता चलने वाला था। चार्ली बोल रहा था कम से कम 50 किलोमीटर तो अपने को गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो मैं भी उसकी बात मानते हुए गाड़ी को भगा जा रहा था। लाला स्पीड तो बढ़ा जरा। ओके भाई स्पीड बढ़ा रहा हूँ। चार्ली की बात मानते हुए मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट दिया और भी ज्यादा स्पीड में भगाने लगा। ठीक है भाई तेज चल रही है ना। लाला इसे मालूम नहीं चलेगा और भगा थोड़ा। ठीक है भाई बढ़ा रहा हूँ रफ्तार। गाड़ी की स्पीड 80 क्रॉस हो गई थी लेकिन फिर चार्ली बोलने लगा, अरे लाला तेज चलाना बा, तेज चला। ठीक है तेज कर रहा हूँ। तेज लाला तेज। हाँ तेज कर रहा हूँ मैं और ज्यादा तेज। अब यहाँ पे चार्ली की बात मानते हुए मैं गाड़ी को कुछ ज्यादा ही स्पीड में भगा जा रहा था और तेज भगाने के चक्कर में हम भूल गए थे कि हम खटारा को इतना तेज भगा रहे हैं। गाड़ी अब 120 की स्पीड में पहुंच चुकी थी और तभी उसका लेफ्ट वाला टायर फट जाता है। लाला ब्रेक दे ब्रेक। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, हमारी गाड़ी बेकाबू होकर क्रैश कर जाती है और फिर लगभग 4 सेकंड के लिए हवा में उछल जाती है। अरे लाला। और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराती है और फिर उसके बाद सीधा जमीन पर जा गिरती है और हम लोग किसी तरीके से बच गए। लाला इंजन टेस्टिंग कंप्लीट। अब थोड़े बहुत टाके लगाने के बाद हम लोग वर्कशॉप में अपनी गाड़ी को लेके वापस आ जाते हैं। भले ही हमारा एक्सीडेंट हो गया हो लेकिन इतना तो मालूम पड़ गया कि गाड़ी के अंदर इंजन बहुत अच्छा है, तो भाई फिर आगे का काम शुरू करें। ठीक है लाला जरा मैं डेटॉल लगा के आता हूँ। अब वर्कशॉप में प्रोफेशनल बॉडी किट इंजीनियर्स आ गए थे और मैंने इन लोगों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार रखा था। मैंने सारे के सारे इंजीनियर्स को समझा दिया कि हमें इस गाड़ी में इस तरीके से चेंजेस करने हैं, इस टाइप की बॉडी किट लगानी है। मैंने उन्हें ये भी समझा दिया कि गाड़ी का फाइनल लुक कैसा आना चाहिए। तो सारी बातें सुनने के बाद वो बोलने लगते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा एकदम फिकर ना यार, बस पेमेंट करवा देना यार, पेमेंट करवाते नहीं आजकल लोग। ठीक है ना भाई। अरे सुबह तो इसका अलाय व्हील अच्छा था, ये तो बैंड हो गया। तुम लोग गाड़ी ठोकवक के आए हो, एक्सीडेंट तो शायद। अरे लाला वैसा कुछ नहीं होता, गाड़ी ब्रेकअप पे कूद गई थी बस। अब फाइनली हमारी एंडेवर के एक्सटीरियर पे वर्क शुरू हो चुका था। मैंने जो पार्ट जैसा बनाने को कहा था इंजीनियर्स बिल्कुल वैसे ही पार्ट्स को डिजाइन किए जा रहे थे और एक एक पार्ट की बारीकी से जांच हो रही थी। सारा के सारा काम लगभग सारे दिन चलता है और शाम होते होते हमारी एंडेवर पे वो शेप आ गया था जिसका विजन मैंने स्टार्टिंग से देखा था। काफी सारी चीजों को बनाया और बदल दिया गया था और फिर गाड़ी के ऊपर धीरे धीरे जो रस्टी पार्ट्स थे उसके ऊपर से भी रस्ट हटा दिया गया। ये सारा काम होते हुए मैं और बब्लू मैकेनिक मिलकर देख रहे थे और वो बब्लू मैकेनिक मुझे सब देख के बोलने लगते हैं, इसका फाइनल लुक तो मुझे भी देखना। लाला मुझसे लिख के ले लो, लुक पसंद आएंगे। अब अगली सुबह हमारी गाड़ी लगभग 75% रेडी थी। गाड़ी से पुराने और रस्टी पार्ट्स को हटा दिया गया था और नए पार्ट्स को परफेक्टली फिट कर दिया गया था। एक्सटीरियर रेडी था, प्राइमर भी लग चुका था गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के अंदर बस अब इलेक्ट्रिकल और पेंटिंग का ही काम बाकी रह गया था। लेकिन तभी चार्ली बोलता है कि गाड़ी की एक और बार टेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि इसके अंदर कोई फाइनल इशू वगैरह तो नहीं है ये चेक करने के लिए। लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि मैं इस बार गाड़ी को स्पीड में नहीं भगाऊंगा। हां मुझे मालूम तुम लोग गाड़ी ठोक के आए हो। हां भाई जल्दी जाओ इस गाड़ी की टेस्टिंग करके आओ। और फिर मैं उसके बाद अपने एंडेवर की टेस्टिंग शुरू कर देता हूं। पहले के मुकाबले ये गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी थी और इंजन के अंदर पावर भी महसूस हो रही थी। ड्राइव करते करते मैं जरूर चेक कर रहा था कि गाड़ी के सारे पार्ट सही से बैठे या फिर नहीं। सडन ब्रेकिंग भी मैंने इसकी करके देखी है, इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए। ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी प्रोटोटाइप स्टेज में है। सारे टेस्ट होने के बाद अब इस गाड़ी के फाइनल वर्क की बारी थी जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब पूरे 2 हफ्ते वर्क करने के बाद फाइनली हमारी एंडेवर तैयार थी। फाइनली हमने बना ली थी 2024 की फोर्ड की नई वाली एंडेवर। फ्रंट में हमने इसके न्यू बम्पर, न्यू ग्रिल और न्यू एलईडी लाइट का सेटअप ऐड कर दिया है। साथ में 18 इंच के ऑफ रोड व्हील्स इस गाड़ी पे 4 चांद लगा देते हैं। एक्सटीरियर का पूरा कलर चेंज कर दिया गया है जिसमें हमने प्लेटिनम और स्पोर्ट दोनों के एलिमेंट्स डाले हैं। इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी लगा दिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। और रही बात रियर प्रोफाइल की, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। पहले ये गाड़ी लेफ्ट हैंडेड इंटीरियर के साथ थी लेकिन हमने इसके अंदर लगा दिया ब्रांड न्यू राइट हैंडेड इंटीरियर और काफी लग्जरी और प्रीमियम लेदर यूज किया है इसमें। और अब मैं अपने एंडेवर को देख के सच में काफी ज्यादा खुश था क्योंकि मैं जैसा चाहा था मेरी गाड़ी बिल्कुल वैसी बन गई थी। गाड़ी की सारी पेमेंट्स हो चुकी थी तो अब बारी थी गाड़ी को यहाँ से लेके जाने की। बबलू भाई भी मेरे साथ में बैठ गए थे तो मैंने फिर अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को लेके वहाँ से निकल गया। फाइनली मेरी एंडेवर अब पूरी तरीके से तैयार थी और मेरे शहर में पहली बार ऐसी कस्टम मेड एंडेवर चल रही थी। और सबसे ज्यादा मुझे किसी ने हैरान किया था वो था इसका एक्सेलरेशन जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। इसके ब्रेक्स और सस्पेंशन तो काफी ज्यादा जबरदस्त थे, केबिन तक कोई झटका पहुंचने नहीं दे रहे थे। दिखने में तो इसका कोई कंपटीशन था ही नहीं। पूरे रोड पे मेरी एंडेवर एक अलग ही टाइप का दबदबा लेके चल रही थी और मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही थी कि मेरे को एंडेवर अपने लिए रखना चाहिए ना कि ऑक्शन में बेचना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस हो या फिर हैंडलिंग, अभी तक की सबसे बेस्ट गाड़ी मुझे यही लग रही थी और इसे लेके अब तो मैं हाईवे पे आ गया था। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ये 120 की स्पीड को टच कर जा रही थी और फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे कोई गाड़ी को चला के मजा आ रहा था। अब ऐसे ही मैं दिन भर अपनी गाड़ी के साथ शहर में इधर उधर घूमते रहता हूँ और अब शाम होने को आ गई थी। मैं अब एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गया था और मैं सिग्नल के ग्रीन होने का अब इंतजार कर रहा था। अब बस मुझे बबलू भाई को उनके घर छोड़ना था और मुझे भी अपने घर के लिए निकलना था। और जब मैं सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा था तभी इतने में मेरे बाजू में एक फॉर्च्यूनर आके रुकती है। ये फॉर्च्यूनर तो काफी बढ़िया लग रही थी तो मैं इसके ओनर से पूछता हूँ, भाई ये मॉडिफिकेशन आपने कितने में करवाई? उतने की कराई है जितने की तेरी औकात नहीं, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा जवाब सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसे बता दूंगा कि बॉस कौन है। मेरी बेइज्जती करके इसने अनऑफिशियल रेस
का ऐलान कर ही दिया था। और इस सिग्नल के ग्रीन होते ही मेरी एंडेवर और उसकी फॉर्च्यूनर में रेस शुरू होने वाली थी। अब हम दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को रेव कर रहे थे और जैसे सिग्नल ग्रीन होता है हमारी रेस शुरू हो जाती है। लॉन्च तो दोनों ही गाड़ियों का काफी ज्यादा तगड़ा हुआ था। पहले तो शुरुआत में मैं आगे चल रहा था लेकिन सडन एक्सेलरेशन की वजह से फॉर्च्यूनर वाला आगे निकल गया था। मैं उसे कैचअप करने की पूरी कोशिश कर रहा था पर क्योंकि फॉर्च्यूनर का एक्सेलरेशन ज्यादा था इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। रेस खत्म होने में 500 मीटर ही बाकी रह गए होंगे तभी जाके मैंने अपने एंडेवर का असली पावर दिखाया। गियर शिफ्ट करने के बाद मैंने उसे फुल एक्सेलरेट दे दिया और ये करते बराबर ही मेरा एंडेवर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ने लगी। फॉर्च्यूनर वाला भी आगे रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन देखते ही देखते बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी एंडेवर ने उस फॉर्च्यूनर को धूल चटा दी। No! इस ड्रैग रेस के अंदर मेरी एंडेवर सक्सेसफुली जीत चुकी थी और इसके पावरफुल 3.2 लीटर इंजन ने इसका कमाल दिखाई दिया। रेस जीतने के बाद मैं काफी खुश हो गया था और घर की तरफ जा रहा था तभी कुछ ऐसा होता है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से मुझे मेरी लेन में एक ट्रक आता दिखाई देता है और इससे पहले कि मैं ब्रेक लगा पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब जब मैं होश में आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी एंडेवर का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है। मैं किसी तरह दरवाजा तोड़ के बाहर निकलता हूँ और पास पर गाड़ी के बैठ जाता हूँ। ये सब अचानक से कैसे हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे दिखाई देता है कि एक स्कॉर्पियो सीधा मेरे तरफ ही आ रही थी। उसके शीशे काले थे और वो देख के मैं समझ गया था कि इसके अंदर एक ही आदमी हो सकता है। स्कॉर्पियो का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से मावेश बाहर निकलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, क्यों रे, पहचाना अपुन को, अपुन मावेश डॉन जिसका पैसा तूने वापस नहीं किया है और जो अपुन का पैसा नहीं देता अपुन उसको चैन से जीने नहीं देता। और इतना बोल के मावेश